देखिए हम लोग जो है वो मैकेनिकल टिश्यूज को डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट्स में कौन कौन से मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। मैकेनिकल टिश्यूज में आपको पेरेन्काइमा के बारे में बता चुका था, कोलेनकाइमा के बारे में भी बता दिया था। आज जिन मैकेनिकल टिश्यूज को हम डिस्कस करेंगे वो हैं स्क्लेरेन्काइमा। कौन से हैं? वो हैं स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पेरेन्काइमा भी सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू बता दिया था एक टाइप वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं अगर, और कोलेनकाइमा भी सिंपल टिश्यू है। इसी तरीके से स्क्लेरेन्काइमा क्या है, ये भी सिंपल टिश्यू है, लेकिन पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग थे, वो लिविंग टिश्यू थे, लेकिन ये कौन से टिश्यूज होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड टिश्यूज होते हैं। अब देखें ये डेड टिश्यूज क्यों हो जाते हैं, जब ये शुरू शुरू में बनते हैं, जैसे ये एक सेल बना है, तो ये इस वक्त जब पेरेन्काइमा नया नया बनता है तो ये लिविंग होता है, लेकिन क्या होता है फिर इसके नीचे जो सेकेंडरी सेल वॉल आती है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये जो टिश्यूज होते हैं सेकेंडरी स्क्लेरेन्काइमा, दे हैव सेकेंडरी सेल वॉल, इनके सेल में सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के सेल में सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और जब इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इसमें क्या होता है, इसमें एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं लिग्निन। लिग्निन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे बहुत ज्यादा लिग्निन जमा हो जाता है, और बहुत ज्यादा लिग्निन जमा होने की वजह से इसके अंदर का ल्यूमेन जो होता है, बीच का जो खाली एरिया है, इसको क्या कहते हैं ल्यूमेन, ऑलमोस्ट विनिश, बिल्कुल खत्म हो जाता है, और ना कोई मटेरियल सेल के अंदर जा सकता है ना कोई मटेरियल सेल से बाहर। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके रिजल्ट में ये क्या हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये डेड टिश्यूज हो जाते हैं, मतलब ये जब बनते हैं उस वक्त लिविंग होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी सेल वॉल जो है वो, इनकी सेल वॉल हैविली लिग्निफाइड, मतलब इनके सेल वॉल के अंदर लिग्निन जो है वो बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। जैसे प्लांट्स के अंदर जो आपको हार्ड पार्ट नजर आता है ना, डेड पार्ट्स नजर आता है, जैसे स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर जितना भी है आपको वुड नजर आती है, डेड पार्ट जो नजर आता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है ज्यादातर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज का जो है वो बना हुआ होता है। तो हाईली हैविली लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल, यानी इनकी जो सेल वॉल, कौन सी वाली सेल वॉल की बात हो रही है यहाँ पर, सेकेंडरी सेल वॉल, जिसको हम सेकेंडरी वॉल भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वॉल जो इनकी होती है वो हैवली जो है वो क्या होती है, लिग्निफाइड होती है। क्यों हैवली लिग्निफाइड होती है, विच गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी को वो क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि वो पेरेन्काइमा तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कोलेनकाइमा भी इतने हार्ड नहीं होते, लेकिन जब इनमें लिग्निन जमा हो जाता है तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने की वजह से फिर क्या देते हैं, वो उस प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं। हम लकड़ी का जो वुड का फर्नीचर बनाते हैं, हम अक्सर जो लकड़ी यूज करते हैं वुड का फर्नीचर बनाते हैं, तो वो लकड़ी जो हार्ड होती है बेसिकली वो किसकी वजह से होती है, वो इन सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो लिग्निन जमा होता है उस लिग्निन की वजह से क्या होती है, वो हार्ड होती है। हमें कहता है ऑफ इन दीज वॉल आर सो थिक दैट द ल्यूमेन ऑफ द सेल बिकेम नियरली वैनिश्ड, मतलब कहता है कि जैसे ये एक सेल है, ये इसमें सेकेंडरी वॉल है, ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल, और ये हो गई कौन सी वाली वॉल, ये हो गई प्राइमरी वॉल, लेकिन कहता है कि प्राइमरी वॉल के अंदर इतना ज्यादा लिग्निन जमा होता है कि इसके बीच के अंदर जो बीच का जो खाली है, ये बीच का जो एरिया है इसको कह रहे हैं ल्यूमेन, इसको क्या कह रहे हैं ल्यूमेन, कहता है ल्यूमेन भी बिल्कुल क्या हो जाता है, इतना लिग्निन जमा होता है ऑलमोस्ट ये भी वैनिश, यानी ये भी खत्म होने के करीब करीब हो जाता है, बिल्कुल फिल हो जाता है इसके अंदर। तो अगर इस स्क्लेरेन्काइमा के मैं फंक्शंस की बात करूं, तो एक फंक्शन जो इसका इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स के वो जो वुडी पार्ट्स होते हैं, यानी वो जो हार्ड पार्ट होते हैं उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वो सपोर्ट स्क्लेरेन्काइमा सेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अगर हम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं इनकी अगर हम टाइप्स की तरफ जाएं कि टाइप्स कितनी होती हैं,
तो यहां अगर मैं लिखूं टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, तो हाउ मेनी, और यू कैन से दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, देयर आर टू टाइप्स, वन इज फाइबर्स एंड अदर वन इज स्क्लेरॉइड्स. एक स्क्लेरॉइड्स होती हैं और एक क्या होती हैं, फाइबर्स होते हैं. ये दो किस्म के स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो बने होते हैं उनमें दो टाइप के जो हैं वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, एक होते हैं फाइबर्स और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं स्क्लेरेट्स. ये देखें मिसाल के तौर पर ये मैं एक स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बना रहा हूँ, और ये देखें इस टिश्यू के अंदर ये जिन सेल से बना हुआ है, जिन स्क्लेरेन्काइमा सेल से ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बना हुआ है, इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, इन सेल्स को हम कहेंगे फाइबर्स. इनको हम क्या कह रहे हैं, फाइबर्स कह रहे हैं. अब ये एक और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज है जो इस किस्म के सेल से मिलकर बने हुए हैं. अब ये जो सेल्स हैं जिनसे ये टिश्यू मिलकर बना है, इन सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, इनके सेल्स को हम कहते हैं स्क्लेरेट्स. तो मतलब स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइबर होते हैं और एक क्या होते हैं, एक होते हैं स्क्लेरेट्स. सबसे पहले फाइबर्स देख लेते हैं. फाइबर्स आर इलोंगेटेड सेल विद टेपर्ड एंड. फाइबर्स क्या होते हैं, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं. ये कैसे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स विथ टेपर्ड एंड. आप ये देखें ये इलोंगेटेड सेल हैं, ये देखें और इनके एंड जो है वो टेपर्ड हैं. ये अलग भी एंड थोड़ा सा टेपर्ड है और ये एंड भी टेपर्ड है, देखें ना यहाँ से थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट है इस जगह पर, नोकीला है थोड़ा सा ऐसे. तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनके एंड क्या होते हैं, जिनके एंड जो है वो टेपर्ड होते हैं. अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल. दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल. ये टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं. अब देखें कैसे लचकदार होते हैं, कुछ आपने ट्रीज देखे होंगे ऐसे जो पतला सा डंडा होता है ऐसे ट्रीज का, फलसफा जब तेज हवा होती है ना तो तेज हवा में ये ट्री थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाता है, यानी इसमें लचक होती है तो थोड़ा क्या हो जाता है, ये यूं बैंड हो जाता है. तो मतलब यही होता है कि जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स होते तो टफ हैं लेकिन थोड़े क्या होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबल होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो एकदम से ब्रेक डाउन नहीं होते. इलोंगेटेड होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं, टफ होते हैं, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं. मतलब इनमें थोड़ी सी जैसे रॉप होती है ना, रस्सियां होती हैं, स्ट्रॉन्ग तो होती है लेकिन थोड़ी सी क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल भी होती हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सेल्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं स्क्लेरेट्स. अब स्क्लेरेट्स की अगर बात करें हम, तो स्क्लेरेट्स आर वेरिएबल, ऑफन इरेगुलर इन शेप, वेरिएबल ऑफन इरेगुलर इन शेप. अब आप देखो कि मैं अगर ये बात कर रहा हूं कि फाइबर्स, तो फाइबर्स की अगर आप शेप देखो तो फाइबर्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं. इनकी शेप कैसी है, ये इलोंगेटेड सेल हैं. लेकिन इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये वेरिएबल शेप, यानी एक जैसी कोई शेप नहीं होती. देखें यहाँ पर मैंने डिफरेंट शेप्स इनकी बनाई है, ऑफन इरेगुलर इन शेप. ये तो इलोंगेटेड होते हैं लेकिन ये अक्सर इरेगुलर शेप में होते हैं, मतलब इनकी कोई खास जो है वो पर्टिकुलर शेप नहीं होती. और उसके बाद कहता है द सिंपल अनब्रांच स्क्लेरेट्स आर जनरली कॉल्ड स्टोन सेल्स. जो अनब्रांच स्क्लेरेट्स होते हैं, सिंपल और अनब्रांच स्क्लेरेट्स के जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं स्टोन सेल्स. बहुत हार्ड होते हैं तो इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे. कुछ तो स्क्लेरेट्स ऐसे होते हैं जिनमें से ब्रांचेस निकल रही होती हैं ऐसे.
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अनब्रांच होते हैं, इनमें से कोई ब्रांच नहीं निकल रही, तो ये क्या है, अनब्रांच। तो ऐसे अनब्रांच जो स्क्लेरिड्स होते हैं उनको जनरली हम क्या कहते हैं, उनको हम स्टोन सेल कहते हैं। दे आर कॉमन इन नट एंड कहां पाए जाते हैं, दे आर कॉमन इन नट, दे आर कॉमन इन नट एंड हार्ड पार्ट ऑफ सीड, पार्ट ऑफ सीड। आपने देखा होगा जो कोकोनट होता है, स्पेशली जो कोकोनट के ऊपर जो, या वॉलनट देखें जो अखरोट होता है, उसके ऊपर एक हार्ड कवर चढ़ा हुआ होता है, उसको तोड़ते हैं बड़ी मुश्किल से, वो टूटता है। तो वो जो हार्ड कवर होता है नट का, नट की जो कवरिंग होती है वो किस चीज की बनी होती है, वो स्क्लेरेट्स की, स्टोन सेल्स की, यानी बहुत हार्ड सेल होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टोन सेल। ऐसे स्क्लेरेट्स की बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोन सेल। इसी तरीके से हार्ड पार्ट ऑफ सीड, जैसे आप डेड पाम है, खजूर का जो बीज होता है वो बहुत सख्त होता है, तो वो जो हार्ड पार्ट होता है सीड का वो किससे बना हुआ होता है, वो बेसिकली बना हुआ होता है स्क्लेरॉइड से, और कौन से वाले स्क्लेरॉइड से, स्टोन सेल से। बाकी दरख्तों से जो फाइबर्स निकलते हैं, ऐसे ऐसे दरख्तों में से धागों की तरीके के जो फाइबर्स निकलते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो फाइबर्स वाले स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और जो नट्स को कवर करते हैं वो कौन से वाले सेल्स होते हैं, वो बेसिकली स्क्लेरॉइड्स होते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिकल टिश्यू। ये देखें कुछ फाइबर्स और स्क्लेराइड्स में यहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा में डिफरेंस लिखने के लिए पेपर में आ जाए, और अक्सर आ भी जाता है स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा का डिफरेंस, तो आप स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा का डिफरेंस में ये लिखोगे कि, और इवन के अगर कोलेन्काइमा के भी आएगा तो पॉइंट सेम होंगे, आप फिर सिर्फ पेरेन्काइमा की जगह पर कोलेन्काइमा लिख दीजिएगा। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो पेरेन्काइमा, आप बताओगे कि वो लिविंग सेल्स हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा कौन से टिश्यूज होते हैं या कौन से सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। फिर आप दूसरा फर्क बताओगे कि पेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा जो है उनमें सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होती, और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। फिर आप बताओगे कि पेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा जो होते हैं वो सॉफ्ट पार्ट को, प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको, या हर्बेशियस जो है पार्ट, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो किसको प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं, हार्ड पार्ट को जो है वो प्लांट्स के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इट वाज ऑल अबाउट मैकेनिकल टिश्यू, लेकिन आपकी बुक के अंदर जाइलम जो होता है, जाइलम के बारे में आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, उन वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जाइलम। अच्छा, अब जाइलम जो होता है वो दो टाइप के, जाइलम को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, क्योंकि जाइलम दो किस्म के टिश्यूज या दो किस्म के सेल से मिलकर बनता है, एक ही जगह पर दोनों किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जाइलम में। इनके अलावा भी कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, मगर आपकी बुक में ये दो अभी दिए हुए हैं तो मैं इन दो को ही डिस्कस करूंगा, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। ये दो किस्म के जाइलम के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका बेसिकली काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन का काम करते हैं। लेकिन वाटर और मिनरल की कंडक्शन के साथ साथ ये सपोर्ट का काम भी करते हैं, प्लांट के सेंटर के अंदर होते हैं, ये भी एक तरीके से कुछ स्क्लेरन डेड सेल्स के या स्क्लेरन काइमा टिश्यूज के बने हुए होते हैं, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये भी जो है वो सपोर्ट का जो है वो काम करते हैं, कंडक्शन तो कर रहे हैं वाटर की, लेकिन उसके साथ सपोर्ट का काम भी करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखो, मैं यहाँ पर अगर जाइलम ड्रा कर, ये देखो ये जाइलम के अंदर ऐसी पाइपलाइन होती है, देखो ऐसे बड़े बड़े, ये पाइपलाइन हो, ये दूसरी पाइपलाइन हो, ऐसे ये जो इस तरह की बड़ी बड़ी सी जो पाइपलाइंस, उसमें जो थोड़ा डायमीटर जिनका बड़ा होता है उनको तो हम कहते हैं वेसल्स, और वेसल्स के दरमियान में ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स भी होती हैं। कलर कर देता हूँ, ये जैसे क्या होगा, ये इनको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं वेसल्स, और ये जो बीच में है पतली पतली सी ट्यूब्स, इनको क्या कह रहा हूं, इनको मैं कह रहा हूं ट्रेकिड्स। ये क्या है, ये हैं ट्रेकिड्स।
तो देख लेते हैं, सबसे पहले ट्रेकीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेकीट्स आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर हैवली लिग्निफाइड डेड सेल हैविंग लार्ज होलो कैविटीज, दे आर ऑब्लिक्यूट हैव ट्रांसवर्स वॉल मेकिंग। अच्छा ऐसा करते हैं, वेसल्स और ट्रेकीट्स में फर्क लिख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसे देखा था, वेसल्स और ट्रेकीट्स में डिफरेंस देख लेते हैं क्या फर्क होता है। दोनों ही तो जाइलम के टिश्यूज हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है। तो वेसल्स आर लाइक ट्रेकीट्स बट नो ट्रांसवर्स वॉल एंड प्लेस एंड टू एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर लाइक ओपन वाटर पाइपलाइन। दे आर ऑल्सो फाउंड इन जाइलम जाइलम एक्टिंग लाइक ट्रेकीट्स। मतलब ये भी जाइलम, मतलब ये होता है कि ये जो वेसल्स होती है ना, वेसल ये एक वेसल है, ये एक वेसल का सेल है, ये एक वेसल का सेल है। अब ये जो वेसल का सेल है ना, ये होता है ट्रेकीट्स की तरह ही है, ये भी वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं। बट नो ट्रांसवर्स वॉल, यानी इसके बीच में ऐसे ट्रांसवर्स वॉल नहीं होगी, ऐसे बीच में ऐसे ट्रांसवर्स वॉल इसमें मौजूद नहीं होंगी। ओपन होती है, मतलब बीच में से बिल्कुल क्या होती है, ओपन होती है, ओपन होती है। तो इस तरीके से ये वाटर को डायरेक्ट, और फिर कैसे होते हैं, एंड टू एंड ये मौजूद होते हैं पाइपलाइन की तरह। एक वेसल ये हो गई, फिर देखो इसके ऊपर ये दूसरी हो गई, इसके ऊपर फिर ये तीसरी हो गई, ऐसे एंड टू एंड मौजूद होता है और वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं। पानी से ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है क्योंकि बीच में कोई रुकावट मौजूद नहीं होती। अच्छा ट्रेकीट्स की अगर बात करें तो ट्रेकीट्स जो होते हैं वो भी वेसल्स की तरह होते हैं, ये भी लिग्निफाइड सेल होते हैं, क्योंकि ये भी ये एक तरीके से वेसल्स और ट्रेकीट्स स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ही की ये टाइप्स हैं। और ये क्या होते हैं, क्योंकि ये भी हाईली लिग्निफाइड होते हैं, हैविंग लार्ज होलो कैविटी, इसके बीच में भी खाली कैविटी होती है, लेकिन वेसल से लार्ज नहीं होती, वेसल से छोटी होती है, बीच में होलो कैविटी है ना, होलो कैविटी, लार्ज जो है वो होलो कैविटी होता है। दे हैव अ ऑब्लिक ट्रांसवर्स वॉल, यानी इसमें और इसमें क्या फर्क हो गया, देखो ये जो ट्रेकीट्स होती है, ये ट्रेकीट्स होती है, अब इनके बीच में एक ऑब्लिक ऐसी तिरछी जो है वो ट्रांसवर्स वॉल मौजूद है, ये देखिए यूं ऐसे ऑब्लिक ऑब्लिक ट्रांसवर्स वॉल जो है वो मौजूद है। अब आप कहोगे अगर इसके ट्रांसवर्स वॉल मौजूद है इसके बीच में, तो फिर पानी कैसे ऊपर जाता है यहाँ से, अगर वाटर यहाँ से मूव कर रहा है तो वाटर यहाँ से ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, बीच में तो ये ट्रांसवर्स वॉल है। असल में क्या होता है कि इस ट्रांसवर्स वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छलनी की तरह, इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं, और उन पोर्सी के जरिए पानी जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अब अगर आप बात करें कि कौन ज्यादा पानी को तेजी से ऊपर लेके जाता है, तो वेसल जो है वो पानी को ज्यादा तेजी से ऊपर लेके जाती हैं, किसके मुकाबले में, ट्रेकीट्स के मुकाबले में। और इसके अलावा इनकी जो मेकिंग ट्रेकीट्स स्पिंडल शेप, ये ट्रेकीट्स की अगर थोड़ी सी आप शेप देखेंगे ना इसके सेल्स की, तो ऐसे अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं यहाँ पर, ये तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये इसको मैं बनाता हूँ, Yes. बीच में क्या है इनके, ऐसे ट्रांसवर्स वॉल होती है, ट्रांसवर्स वॉल होने की वजह से बीच में ये कैसी हो जाती है, इनकी थोड़ी सी स्पिंडल शेप हो जाती है, स्पिंडल होता है ना जैसे मछली की ऐसी शेप होती है, स्पिंडल जैसी, ऐसी इसकी जो है वो क्या हो जाती है, शेप जो है वो हो जाती है। दे आर फाउंड इन जाइलम एक्टिंग, ये भी जाइलम ही में पाए जाते हैं, एक्टिंग एज सपोर्टिव टिश्यू इन एडिंग टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल, यानी वाटर और डिजोल्व मिनरल को तो ट्रांसपोर्ट करते ही हैं, लेकिन उसके साथ क्या करते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू का भी काम करते हैं। तो ट्रेकीट्स और वेसल्स जो हैं आपने याद रखना है, दोनों जाइलम के सेल्स हैं, वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है वो वाटर को कंडक्ट करने का भी काम जो है वो करते हैं, वेसल्स और ट्रेकीट्स। इसके चलें थोड़े, चलिए तो हमने सारे पढ़ लिए कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंडरी टिश्यू एंड देयर सिग्निफिकेंस। सेकेंडरी टिश्यू बताने से पहले, सेकेंडरी टिश्यू को एक्सप्लेन करने से पहले, यह है पेज नंबर 29 पर, यह टॉपिक है आपकी बुक में, सेकेंडरी टिश्यू एंड देयर सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। तो सेकेंडरी टिश्यू बताने से पहले एक बात आपको बताता हूँ कि प्लांट्स के पास दो किस्म की ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ।
अब मिसाल के तौर पे देखो, ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट है और ये इसके लीव्स हैं। अब क्या होता है कि ये प्लांट जो है वो अब ग्रो करेगा। चलिए, ये ग्रो करा, ये इसमें से लीफ निकले, फिर इसमें से लीफ निकले। अब आप देखें, ये प्लांट लेंथ वाइज ग्रो कर रहा है, इस वक्त ये लंबाई में बढ़ रहा है। जब प्लांट लेंथ वाइज ग्रो करता है, जब प्लांट लेंथ वाइज ग्रो करता है तो इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इसको कौन सी ग्रोथ कहते हैं? जब प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है तो इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? ड्यू टू, इसमें किस प्राइमरी ग्रोथ में किस चीज का इजाफा होता है? इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में इजाफा होता है। और आपको पता है कि जब ग्रोथ होती है तो कौन से वाले टिश्यू ग्रोथ करवाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही में तो डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती है। तो देखें, यहाँ पर इसके ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तो डिवाइड होते हैं, तो फिर क्या होता है? तो फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइड होने से ये लेंथ में बढ़ता है सर। तो इसमें फिर यहाँ पर कौन से वाले टिश्यू आ गए? फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इसको लेंथ में बढ़ा रहे हैं, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। ये प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? ड्यू टू एपिकल मेरिस्टम। किसकी वजह से हो गई? एपिकल मेरिस्टम। और प्राइमरी ग्रोथ की वजह से जो टिश्यूज बनते हैं, प्राइमरी ग्रोथ की वजह से जो टिश्यू बन रहे हैं, ये देखो पीछे की तरफ, प्राइमरी ग्रोथ की वजह से जो टिश्यूज बन रहे हैं उन टिश्यूज को हम कहते हैं, कौन से टिश्यू कहेंगे? उनको हम कहेंगे प्राइमरी टिश्यू। जो प्राइमरी ग्रोथ की वजह से बनेंगे वो कौन से टिश्यू होंगे? प्राइमरी टिश्यू, चाहे वो प्राइमरी जाइलम हो, चाहे वो प्राइमरी फ्लोएम हो, चाहे वो प्राइमरी कॉर्टेक्स हो, ये सब टिश्यू जो है वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी टिश्यू। लेकिन जब प्लांट लेंथ में अच्छा खासा बढ़ जाता है, ऐसे यू लेंथ में बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है? वो थिकनेस में भी बढ़ना शुरू होता है, ऐसे, यानी उसके उसके स्टेम की मोटाई, थिकनेस में भी इजाफा होता है। जब मोटाई में और थिकनेस में इजाफा होता है, ऐसे, अब देखो आहिस्ता आहिस्ता इसका स्टेम थिक होता जा रहा है, ऐसे। जब थिकनेस में इजाफा होता है तो जो थिकनेस में ग्रिथ में, मतलब इसकी डायामीटर जब बढ़ता है तो उसको, रूट का हो चाहे स्टेम का, जब डायामीटर बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर किस चीज का इजाफा होता है? इंक्रीज इन गिर्थ, या डायामीटर कह लें, या आप इसको थिकनेस कह लें, कि इसके थिकनेस में इजाफा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है, अब प्राइमरी ग्रोथ तो किसकी वजह से हो गई? प्राइमरी ग्रोथ कौन से मेरिस्टम की वजह से हो गई? एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है। अच्छा, यहाँ पर इस जगह पर कुछ और भी मेरिस्टम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम या कैम्बियम। यहाँ पर देखें, यहाँ मौजूद हैं, इन मेरिस्टम को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जो मेरिस्टम मौजूद है इनको मैं कह रहा हूँ लेटरल मेरिस्टम। इसको लेटरल मेरिस्टम कह रहा हूँ या मैं इनको कह रहा हूँ कैम्बियम। तो ये लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम क्या करेंगे? ये नए टिश्यूज बनाते रहेंगे, ऐसे ये नए टिश्यूज बनाते रहेंगे। जैसे जैसे ये नए टिश्यूज बनाते रहेंगे, इसकी थिकनेस में क्या होता रहेगा? स्टेम के इजाफा होता रहेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो कौन से टिश्यूज की वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू, इट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। ये किसकी वजह से होती है? ये होती है लेटरल मेरिस्टम की वजह से, या लेटरल मेरिस्टम को आप कैम्बियम भी कह सकते हो। और इनसे जो टिश्यूज बनते हैं, जो इनसे नए टिश्यू बनते हैं, जैसे सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा, इसके अलावा बार्ग बनेगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा है, तो ये सब जो क्या कहना चाहिए कि जो सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में जो टिश्यू बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में जो टिश्यू बनते हैं उन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? उन टिश्यूज को हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यू।
आई थिंक आपको सेकेंडरी टिश्यू के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि आपकी बुक में जो यहाँ पर हेडिंग दी हुई है वो दी हुई है सेकेंडरी टिश्यू एंड देयर सिग्निफिकेंस। हमने यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यू के बारे में पढ़ना है और सेकेंडरी टिश्यू की जो है वो सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है। इस वक्त हम प्राइमरी टिश्यूज की इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस वक्त हम प्राइमरी ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, इस वक्त जो हम बात करेंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे। और हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में सबसे पहले तो देखेंगे सेकेंडरी टिश्यू बनते कैसे हैं। सेकेंडरी टिश्यू किसको कह रहे हैं? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को जो है वो हम क्या कह रहे हैं, या उसके साथ जो दूसरे टिश्यूज बनते हैं उनको हम जो है वो सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी टिश्यू के बारे में पढ़ना। सबसे पहले तो देखते हैं कि सेकेंडरी टिश्यू का क्या डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। सेकेंडरी टिश्यू, अब कहता है सेकेंडरी टिश्यू आर दोज विच आर फॉर्म, ये कौन से वाले टिश्यूज होते हैं? दोज टिश्यूज विच आर फॉर्म दोज टिश्यू विच आर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम। मेरिस्टम ऐसे टिश्यूज जो किसकी एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, यानी कौन से मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के डिवाइड होने से बनते हैं, जो लेटरल मेरिस्टम या कैम्बियम के लिए, लेटरल मेरिस्टम के लिए कोड लव्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कैम्बियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टम के डिवीजन से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन टिश्यूज को हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यू। अच्छा, अब एक चीज देखो, लेटरल मेरिस्टम्स आर टू टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम, टाइप्स ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम कह लो या आप इसको लेटरल मेरिस्टम कह लो। तो कैम्बियम की टू टाइप्स होती हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है और एक होता है कोर कैम्बियम। एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है और एक होता है कोर कैम्बियम। असल में देखो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या बनाता है, ये बनाता है फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बनाता है, वो कौन बनाता है? वो बेसिकली बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम। जबकि कोर कैम्बियम जो है वो क्या बनाता है? कोर कैम्बियम बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। अभी आपको बताऊंगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और ये कॉर्क क्या होता है, लेकिन अभी इतना याद रख लें कि वेस्कुलर कैम्बियम से ये वाले सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे और कोर कैम्बियम से ये सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए पेपर में गिव एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू की एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल में बताएंगे सेकेंडरी जाइलम भी सेकेंडरी टिश्यू की एग्जाम्पल है, सेकेंडरी फ्लोएम भी सेकेंडरी टिश्यू की एग्जाम्पल है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी जो है वो सेकेंडरी टिश्यू की एग्जाम्पल है, और कॉर्क भी क्या है? कॉर्क भी सेकेंडरी टिश्यू की एग्जाम्पल है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक डायग्रामेटिक वे में बताता हूँ कि कहाँ वेस्कुलर कैम्बियम है, कहाँ कॉर्क कैम्बियम। अभी फिलहाल हम कॉर्क कैम्बियम को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी बात करेंगे सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम की, कॉर्क कैम्बियम की बात बाद में करूंगा, अभी मैं सिर्फ जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये एक स्टेम है, ऐसे एक स्टेम को मैंने कट कर लिया, ये से काट लिया, बीच में से क्रॉस सेक्शन ले लिया। अभी एक यंग स्टेम है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये एक यंग स्टेम है। अभी इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, अभी इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी। एक और बात मुझे आपको बताना था कि सेकेंडरी ग्रोथ तमाम प्लांट्स के अंदर नहीं होती। पहले एक बात, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने से, सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर कैम्बियम को पढ़ने से पहले एक बात थोड़ी सी नोट कर लो कि सेकेंडरी ग्रोथ कौन कौन से प्लांट्स में होती है। सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड इन डाइकोट प्लांट
एंड जेम्नोस्पर्म। देखो ऐसे प्लांट जिनका स्टेम बहुत ज्यादा थिक नहीं होता, जैसे आपने ग्रासेस देखी होंगी, ऐसे ग्रास होती है, तो ग्रासेस का, घास का तो स्टेम इतना थिक नहीं होता, उसके स्टेम में लकड़ी तो नहीं बनती ना। बेलें देखी होंगी, बेलें भी ऊपर की तरफ जा रही है, उसमें भी जो है वो इतना स्टेम थिक नहीं होता। तो जिनका स्टेम बहुत ज्यादा थिक नहीं होता तो मतलब उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और मोनोकोट जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांट दो तरह के होते हैं, एक मोनोकोट होते हैं और एक डाइकोट होते हैं। ये जो ग्रासेस वगैरह जितनी भी होती हैं ये मोनोकोट होते हैं, और बाकी जितने भी प्लांट्स हैं, नीम ट्री हो गया, मैंगो हो गया, ये सब डाइकोट हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर सिर्फ डाइकोट प्लांट हैं जिनके अंदर क्या होती है, जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हैं, जैसे पाइनस प्लांट हो, पाइनस ट्री हो गया, इनके अंदर भी कौन सी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो आपने ये याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है, और सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा के सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम, मैंने आपको बताया ना दो तरह का मेरिस्टम होता है, एक लेटरल मेरिस्टम दो तरह के होते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है और एक कोर कैम्बियम होता है। अभी हम कोर कैम्बियम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे वेस्कुलर कैम्बियम की। तो देखो वेस्कुलर कैम्बियम बनता किस तरह से है, अब मिसाल के तौर पर देखो ये मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अब देखो जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं तो ये क्या है, ये प्राइमरी जाइलम है। ये जो ब्लू कर रहा हूं जिस पार्ट को, ये क्या है, ये प्राइमरी जाइलम हो गया, ये प्राइमरी जाइलम हो गया। अब प्राइमरी जाइलम तो जो है वो प्राइमरी टिश्यू है ना, जो एपिकल मेरिस्टम से बना होगा, ये प्राइमरी जाइलम हो गया, ये प्राइमरी जाइलम। इसको हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें तो यूं ऐसे लंबे लंबे नजर आएंगे अंदर की तरफ ऐसे, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये प्राइमरी जाइलम हो गया। और इसके अलावा मैं बाहर की तरफ ये जो ग्रीन कलर का बना रहा हूं ये क्या है, ये हो गया प्राइमरी फ्लोयम। चलो ये तो हो गया प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोयम, और इनको मिलाकर कहेंगे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोयम को ही कहते हैं ना, तो ये ब्लू वाला जो है ये तो हो गया प्राइमरी जाइलम, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी फ्लोयम। अब क्या होता है कि सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम बनने की बात कर रहा हूं कि वेस्कुलर कैम्बियम बनता कैसे है। अब प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोयम के दरमियान में कुछ मेरिस्टमेटिक टिश्यू आ जाते हैं, ये येलो कलर के सेल से शो कर रहा हूं। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोयम के दरमियान में कुछ मेरिस्टमेटिक यानी डिवाइड होने वाले टिश्यूज आते हैं, और ये जो डिवाइड होने वाले टिश्यूज आते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोयम के दरमियान में, इन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, इन टिश्यूज को हम कहते हैं बेसिकली प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोयम के दरमियान में जो आते हैं इनको हम कहते हैं फैसिकुलर या फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। इनको जो है वो आप कह लो, इनको हम कहते हैं फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, जो इनके दरमियान में ये येलो कलर के आ गए, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल कह रहे हैं, या आप इसको जो है वो फैसिकुलर कैम्बियम भी आप इसको कह सकते हो। अब फिर क्या होता है, देखो मैंने आपको जब एनाटमी पढ़ाई थी, किसकी एनाटमी पढ़ाई थी मैंने आपको, जब यंग स्टेम की एनाटमी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको कहा था बीच के अंदर एक पिथ होती है। बीच के अंदर क्या होता है, बीच के अंदर सॉफ्ट टिश्यू की एक लेयर, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिसको हम पिथ कहते हैं। इस पिथ के अंदर से कुछ सेल्स निकलते हैं, ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, ऐसे रेज बना लेते हैं इस सॉफ्ट टिश्यू, और इन सेल्स को, ये जो सेल्स की जो रेज निकल रही है इनको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। इनको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं। इन मेडुलरी रेज के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इन मेडुलरी रेज के कुछ पेरेन्काइमा सेल्स में डिविजन की एबिलिटी आ जाती है, डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है। जब उनमें डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है तो वो सेल डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होकर ऐसे जो है वो किसके दरमियान में, दो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल को आपस में मिला देते हैं। यहाँ पर भी ये सेल डिवाइड हुए, उन्होंने फ्यूजीफॉर्म इनिशियल को मिला दिया, यहाँ से भी सेल डिवाइड हुए, इसके यहाँ से सेल डिवाइड हुए, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल को इन्होंने मिला दिया। तो क्या होता है, द फ्यू सेल्स ऑफ ईच मेडुलरी रेस, यानी ये जो रेस निकल रही है ये क्या है, मेडुलरी रेस, इनके कुछ सेल, फ्यू सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस लाइंग
लाइंग इन लाइन विद फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, जो कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की लाइन में ही होते हैं। जैसे यहाँ पर ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल था ना, चले मैं इसको दूसरे वाले सेल जो नए सेल बने उनको रेड से शो कर रहा हूँ, जो ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की लाइन में जो के करीब करीब जो सेल थे उस जगह पर ये सेल डिवाइड हुए, और डिवाइड होकर इन्होंने ऐसे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल के साथ मिलकर एक रिंग बना ली। तो कहता है लाइंग इन द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल बिकेम मेरिस्टेमेटिक, यानी वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं वो सेल, कुछ मेडुलरी सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, यानी उनमें डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है, और डिवीजन की एबिलिटी जब आ जाती है तो वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जबकि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल को हम क्या कहते हैं, इसको हम फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अब आप देखो, और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम जो दोनों को मिलकर जो एक रिंग बनती है, इस रिंग को हम क्या कहते हैं, इस रिंग को हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, इस रिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। एक दफा फिर समझो इसको, ये देखो ये है एक यंग स्टेम, अभी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। अब क्या होता है, इसके अंदर ये है वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम। अब देखो जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं तो समझ जाना कि ये जाइलम है, नीचे की तरफ ये जाइलम हो गया, ये जाइलम, और जिसको ग्रीन करूंगा ऊपर से ये समझ लो कि क्या है, ये फ्लोएम। अब क्या होता है, इन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में, एक को हम कहेंगे प्राइमरी जाइलम और एक को कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आ जाते हैं, ये जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, ये कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आ गए, और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम क्या कहेंगे, इनके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे वो होती है फेसिकुलर कैम्बियम, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, फेसिकुलर कैम्बियम। फिर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सेंटर में स्टेम के पिथ होती है, और पिथ में से ऐसी रेज निकल रही होती है सेल्स की, इनको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। अब कहता है कि मेडुलरी रेज के कुछ सेल्स जो कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की लाइन में, मेडुलरी रेज के कुछ सेल जो कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की लाइन में, इनमें भी डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है, और वो ऐसे डिवाइड होकर एक दूसरा के एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल या फेसिकुलर कैम्बियम के दरमियान में जो है वो, जो मेडुलरी रेज में कुछ सेल्स होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और डिवाइड होकर एक दूसरा कैम्बियम बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो रेड कलर का कैम्बियम बना ये कौन सा है, ये है फेसिकुलर कैम्बियम। अब येलो जो कैम्बियम है आप इसको कह रहे हो इंटरफेस, इसको कह रहे हो आप फेसिकुलर कैम्बियम, और ये जो येलो जो कैम्बियम है आप इसको फेसिकुलर कैम्बियम कह रहे हो, और जो रेड है इसको क्या कह रहे हो, इसको कह रहे हो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, दोनों को मिलाकर कहेंगे वैस्कुलर कैम्बियम। इस तरह से वैस्कुलर कैम्बियम बनता है। पहले मैंने आपको सेकेंडरी टिश्यू बनने का नहीं बताया कि सेकेंडरी टिश्यू कैसे बनते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया है कि वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, ये वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ,